नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आजकल जो साइबर क्रिमिनल हैं वो नए नए तरीके आजमा रहे हैं लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। अभी रिसेंटली एक लेडीज़ के साथ 9.5 लाख का फ्रॉड हो गया सिम स्वैपिंग के जरिए। सिम स्वैपिंग क्या होती है इस बारे में डिटेल से वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने सिम को लॉक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो बताया है उसके हिसाब से आप सिम स्वैपिंग से बच सकते हो अगर उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो, यानी कि आप सिम कार्ड को अगर लॉक करते हो। तो अभी बात कर लेते हैं पहले कि सिम स्वैपिंग एक्चुअल में होती क्या है। अगर आपको साधारण भाषा में बताऊँ तो सिम स्वैपिंग का मतलब आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं सिम क्लोनिंग, यानी कि जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो आपके सिम का क्लोन बना लेते हैं और उस सिम को यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अब वो फ्रॉड कैसे करते हैं, देखिए जो इस लेडीज़ के साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है 9.5 लाख रुपए का, तो यहाँ पे क्या करते हैं जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के फ़ोन करते हैं और किसी भी तरह से आपको बोल देंगे कि आपका फ़ोन जो सिम है वो 3G से 4G में अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई दूसरी सर्विस के ज़रिए आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसके बाद आपसे जो है सिम कार्ड का नंबर ले लेंगे। यानी कि आपके एक सिम कार्ड में एक नंबर होता है 20 अंकों का, तो वो जो सिम कार्ड नंबर होता है उस नंबर की मदद से जो क्रिमिनल होते हैं वो आपके सिम की कॉपी बना देते हैं, यानी कि क्लोन बना देते हैं, और आपका जो नंबर होता है वो किसी दूसरे नंबर पर एक्टिवेट या दूसरे सिम पे एक्टिवेट उसे कर देते हैं। अब इसके लिए वो एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक उन्होंने आपका सिम कार्ड का नंबर ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल करते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन दिया जाता है कि कन्फर्म करने के लिए एक दबाएँ या दो दबाएँ, तो जब आपको कॉल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जब आप उनको अपना सिम कार्ड नंबर दे देंगे उसके बाद आपके पास एक फ्लैश मैसेज आता है, तो उस फ्लैश मैसेज में लिखा होता है कंफर्म करने के लिए एक दबाएं। जैसे ही वो आपको बताएंगे कि सर आप कंफर्मेशन के लिए एक दबा दीजिए आपका सिम अपग्रेड हो जाएगा, इस तरह से जो भी वो आपको लालच दे रहे हैं, तो जैसे ही आप एक प्रेस करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सिम है वो स्वैप होने वाला है, यानी कि वो क्लोन बनने वाला है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ रह जाती है, वो है फ़ोन स्विच ऑफ ऑन करने का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी सिम की अगर आप कॉपी करते हैं, यानी कि क्लोन दूसरी कॉपी निकलवाते हैं, डमी सिम निकलवाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप एक बार फ़ोन को जो है रिसेट करें, यानी कि स्विच ऑफ करें, उसके बाद स्विच ऑन करें। तो वो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑन ऑफ़ करिए, यानी कि एक बार ऑफ करके ऑन करिए। इस प्रोसीजर के हो जाने के बाद जो उनके पास क्लोन कॉपी रहती है, यानी कि जिसको उन्होंने आपके सिम का क्लोन कॉपी बनाया है, वो सिम एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ तक तो ठीक है, सिम की कॉपी बन गई, लेकिन फ्रॉड एक्चुअल में हुआ कैसे, उसके बाद क्या होता है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं उनके पास आपकी जो बैंकिंग डिटेल होती है वो पहले से ही मौजूद होती है, और इस तरह की वीडियोस मैं पहले भी बहुत सारी बना चुका हूँ कि किस तरह से जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो आपकी बैंकिंग डिटेल को अपने पास रख लेते हैं, तो उस बैंकिंग डिटेल का वो यूज़ करते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने का। अब क्योंकि वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, तो क्योंकि उन्होंने आपके सिम की क्लोन बना दिया, आपके सिम का क्लोन बना दिया, उसकी कॉपी बना दी, तो अब जो OTP आना होगा वो आपके सिम पे ना आके उनके पास जो क्लोन कॉपी है उस सिम पे जाएगा उसका OTP, और इस तरह से वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपको कितने भी रुपए का चूना लगा सकते हैं। तो इस लेडीज़ के साथ सेम यही हुआ और उसके साथ 9.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जैसे वो आपको फ़ोन रिस्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो जब आप फ़ोन रिस्टार्ट करते हैं तो आपके फ़ोन से नेटवर्क गायब हो जाता है, उसके बाद क्योंकि वो सिम डीएक्टिवेट हो जाता है जो आपके स्मार्टफोन में होता है, तो इसलिए वो ऑब्वियसली उस स्मार्टफोन में फिर नेटवर्क नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं कि इस फ्रॉड से हमें बचना कैसे है। सबसे पहले तो मैंने जो बहुत सारी पहले वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया था कि आप कहीं भी एरी गेरी वेबसाइट में अपनी बैंकिंग डिटेल्स फिल मत कीजिए, अपने कार्ड जो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए या फिर शॉपिंग के लिए, उसको वहाँ पे डिटेल उसकी सेव मत रखिए, उसको तुरंत इरेज कीजिए, लॉग आउट लॉग इन बार बार कीजिए। इस तरह की मैंने बहुत सारी आपको पहले बताया है कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो वीडियो बनाई थी कि आपको सिम कार्ड को लॉक रखना है, यानी उस पर लॉक लगा के रखना है, उससे होगा क्या,
मान लीजिए उन्होंने आपके साथ फ्रॉड करके आपको बहला फुसला के आपका जो सिम का क्लोन था वो बना लिया। उसके बाद जब तक आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करते हैं तब तक वो प्रोसीजर होता है सिम कार्ड की कॉपी बनाने का, वो पूरा नहीं होता है। अगर आपने अपने सिम कार्ड में लॉक लगा रखा है तो जैसे ही आप रिस्टार्ट अपने फ़ोन को करेंगे तो जब वो अपने फ़ोन में उस सिम को लगाएंगे जो उन्होंने कॉपी बनाया है तो उसके लिए भी वो कोड मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड उसे पता नहीं होगा क्योंकि उसमें आपने पहले से ही लॉक लगा रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम कर देना है। दूसरी बात, आपको किसी को भी अगर कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करता है तो उसको अपने सिम कार्ड का नंबर नहीं बताना है क्योंकि उनके पास, वो कस्टमर सर्विस वाले हैं, उनके पास पहले से ही आपका सिम कार्ड का जो नंबर होता है वो अवेलेबल होता है। अगर वो एक्चुअल में कस्टमर एग्जीक्यूटिव होगा तो उनके पास सिम कार्ड का नंबर पहले से ही होगा, उसे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। तो बस दोस्तों, यही कुछ था इस वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।